नमस्कार, अपने न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। हुलाके मार्ग के विषय में भारत संघ भेल सहमति पत्र में प्रधानमंत्री प्रचंड के भारत भ्रमण के समय औपचारिक हस्ताक्षर हेत। सुदूर पश्चिम में 14 बैंक सबके सहला गाड़ी में 54 मेगावाट के दूटा जल विद्युत आयोजना निर्माण होबय लागल। आ निर्माणाधीन इथोपिया के एक जेल में आग लगी भेला से 10 कैदी के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। निर्माणाधीन हुलाके मार्ग के विषय में भारत संघ भेल सहमति पत्र में प्रधानमंत्री प्रचंड के भारत भ्रमण के समय में छलफल होत जनाओल गेल। निर्माणाधीन हुलाके मार्ग के काज भादव महीना से शुरू होब जका भारतीय पक्ष संगे नया सहमति भेल। सहमति अनुसार अति महत्वपूर्ण 6 सड़क खंड के काज नेपाल सरकार अपने शुरू करत। वहां के 11 सड़क खंड भारतीय सहयोग में निर्माण होत जनाओल गेल। नेपाल और भारत बीच सन 2066 साल में हुलाके मार्ग निर्माण संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल छल, मुदा निर्माण के जिम्मा ओने भारतीय कंपनी काज करे के वातावरण नहीं भेल कहत बीच में काज रोकने छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग से भारतीय सीमा धरि जुड़े वाला 32 सड़क आ पुरान हुलाके सड़क के करीब 1800 किलोमीटर लम्बा सड़क निर्माण आ एस्ट्रोनोति के काज आयोजना अंतर्गत अछि। ओ सड़क निर्माणक लेल भारत सरकार 8 अरब रुपया देवाक सहमत भेल छल। भारतीय सहयोग रकम अपुग भेलाक बाद नेपाल सरकार 5 अरब रुपया लगानी कऽ 6 सड़क खंड के काज अपने करय लागल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल के भ्रमण से पहिने दक्षिणी पड़ोसी भारत में राजदूत के नियुक्ति नहि होयत। संसदीय सुनवाई विशेष समिति भारतक लेल प्रस्तावित राजदूत दीप कुमार उपाध्याय आ चीनक लेल प्रस्तावित राजदूत लीलामणि पोगडेल के विरुद्ध में उजरी देबय लेल 10 दिन के समय निर्धारण कयलाक संगे प्रधानमंत्री दहाल के भारत भ्रमण आगू उपाध्याय के नियुक्ति नहि होयत जनाओल गेल। प्रधानमंत्री दहाल इएह भादव के अंतिम में भारत जेबाक कार्यक्रम रहल अछि। उजरी संकलन के बाद उजरीकर्ता आ प्रस्तावित व्यक्ति के बजाक छलफल करय पड़ला के कारण दहाल भ्रमण से पहिने उपाध्याय नियुक्ति नहि होयबाक निश्चित भेल अछि। समिति के मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भारत के राजदूत में उपाध्याय के नाम सिफारिश कयल गेल प्रति आपत्ति जनौने छल। एमाले सांसद भानुभक्त ढकाल अइ से पहिने सरकारपदीय मर्यादा विपरीत राजनीतिक चल खेल में संलग्न भेल अभियोग लगाकर फिरता बजौने उपाध्याय के पुनः भारत के राजदूत में सिफारिश करब देश के हित विपरीत रहल आ अइ से कूटनीतिक समुदाय में नकारात्मक संदेश देबाक बतौलनि। मुदा सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद सब सरकार अपने विश्वास कने व्यक्ति के राजदूतक रूप में पठाओल जायत कहैत सरकार फिरता बजौने प्रसंग निकाल कऽ झंझट नहि करय एमाले सांसद सब संगे आग्रह कयलनि। सामान्य छलफलक बाद समिति उजरी के लेल 10 दिन के समय सहित सार्वजनिक रूप में आह्वान करय के निर्णय कयलक अछि। मूलत भारतको लीलामणि पौड्यालको विषयमा जुन सिफारिस गरेर पत्र पठाएको थियो त्यो पत्रलाई चाहिँ र त्यससँग संलग्न रहेका उहाँहरूको बायोडाटा वितरण गरियो र त्यस पछाडि संसदीय सुनवाईको विशेष कार्य संसदीय सुनवाईको कार्यविधि 2073 दफा 12 अनुसार चाहिँ उहाँहरूकोलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा उजुरी दिने प्रयोजनको लागि 10 दिने सार्वजनिक सूचना विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत जारी गर्ने निर्णय गरियो। मन्त्री परिषदक भादव 16 गते बैसल बैसार से उपाध्याय के भारत आ पौडेल के चीन के राजदूत नियुक्त कर सिफारिस केने अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल युवा सभक परिचालन मार्फत देश के आर्थिक विकास करय के मॉडल विषय में सुझाव देब अर्थशास्त्री सब संगे आग्रह कयलनि अछि। नेपाल आर्थिक संघ मंगल दिन काठमाडौँमे केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दहाल देशक आर्थिक अवस्था भयावह रहल कहैत युवा सभक परिचालन कऽ कऽ आर्थिक विकास करय के मॉडल के विषय में सुझाव देब अर्थशास्त्री सब संगे आग्रह कयने छथि। ओ वैदेशिक रोजगारी में गेल कामदार पठौने रेमिटेंस के सरकार देश के समृद्धि के दिगो स्रोत के रूप में नहि लेब सेहो बतौने छथि। सुदूर पश्चिम में 14 बैंक सबके सह लगानी में 54 मेगावाट के दूटा जल विद्युत आयोजना निर्माण होबय लागल। सोम दिन काठमाडौँ में दूटा आयोजना के लिए ऋण समझौता सेहो सम्पन्न भेल।
सानीगाड हाइड्रोप्लाई प्रवर्धन केने 38.46 मेगावाट के ऊपर का कालांगा गाड जल विद्युत आयोजना में ऋण लगानी कर्ज का माछा पुछ्रे बैंकक नेतृत्व में समझौता भेले छ। माछा पुछ्रे सहित राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनसीसी बैंक, सनराइज बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक आ सिमिल बैंक क 8 बैंक क 4.74 करोड़ ऋण लगानी कर लागल छ। तहिना एनएमबी बैंक नेतृत्व में 6 बैंकक सह वित्तीयकरण में कालांगा हाइड्रो प्रणाली के प्रवर्धन रहल 15.63 मेगावाट के कालांगा गाड जल विद्युत आयोजना के लिए ऋण समझौता भेल छ। एहि आयोजना के लिए एनआईसी, एशिया बैंक, सिविल बैंक, जनता बैंक, देव विकास बैंक, ज्योति विकास बैंकक लगानी रहत। एहि आयोजना के लिए ओ बैंक सब 2.10 करोड़ ऋण लगानी कर लागल बताओल गेल छ। ई दुनू आयोजना बझांग जिला में निर्माण होवय लागल छ। राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोग आसभक लेल न्याय जेफ नामक गैर सरकारी संस्था भूकंपक बाद के राहत अपना निर्माण के विषय में भूकंप प्रभावित 3 जिला में केने स्थलगत अनुगमन के प्रतिवेदन सार्वजनिक कियलक अछि। काठमांडू में एक कार्यक्रम को सार्वजनिक कयल गेल प्रतिवेदन गोरखा, सिंधुपाल्चोक आ दोलखा जिला में केन्द्रित रहल अछि। गोरखा, सिंधुपाल्चोक आ दोलखा जिला के भूकंप प्रभावित गाम सब में कयल गेल स्थलगत अनुगमन भूकंपक बाद के प्रतिकार्य में लैंगिक समावेशिता नै भेल, वास्तविक पीड़ित एखनो छूटल, कतेको पीड़ित किछु मात्रा में मात्र राहत पेने भाई किछु नै पेने जेहन समस्या सब रहल बतौलनि। स्थानीय तह में कर्मचारी नै भेला सँ वास्तविक पीड़ितक तथ्यांक संकलन आ समस्या में पड़ल जनता के जल्दी पुनः स्थापना के प्रत्याभूति दिया बने सकल प्रतिवेदन देखौनी अछि। सार्वजनिक प्रतिवेदन के विषय में बजट राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया न्यास समिति नीति बनाकर पुनर्निर्माण के काज के तीव्रता देल जायत बतौलनि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल पदभार ग्रहण के दिन 45 दिन भीतर सब भूकंप पीड़ित के घर बनाबक लेल अनुदान के पहल किस्त उपलब्ध करावक निर्देशन दिलाक बाद नीति के अभाव में प्राधिकरण पुनर्निर्माण के काज के तीव्रता देव नै सकल बताओल गेल अछि। निर्माण कार्य के ठेका पट्टा करय वाला कंपनी जनकपुर में रक्तदान कार्यक्रम कयलक अछि। रमेश कंस्ट्रक्शन प्रणाली जनकपुर के भानसक रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कयलक अछि। भोर 7 बजे से शुरू कयल गेल कार्यक्रम में दोपहर धरि में 5 दर्जन बेसी युवा रक्तदान केने आयोजकक दावी अछि। कार्यक्रम से संकलित खून के पोखारि ट्रस्ट धनुषा के बुझाओल जायत। कंस्ट्रक्शन प्रणाली के प्रोप्राइटर रमेश कुमार यादव जनौने छथि। भरतपुर अस्पताल के आंदोलनरत कर्मचारी सब अपन 6 बंदी मांग पूरा कर 1 हफ्ता के अल्टीमेटम दिलक अछि। मांग पूरा नहीं भेल तो भादव 26 कते से आंदोलन शुरू कयल जायत। अस्पताल विकास समिति कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर उन्नत श्रेष्ठ जानकारी देने छथि। यूनियन नेपाल सरकार तोकने बमोजिम विकास समिति अंतर्गतक सब कर्मचारी के समान तलब होबे पड़त। स्थायी भ क 5 वर्ष पूरा भेल कर्मचारी के स्तरोन्नति कर पड़त। जालादारी में काज केने कर्मचारी के कार्य मूल्यांकन कर में लॉजैत परत लगायत के मांग सब रखने अछि। यूनियन अपन मांग जिला प्रशासन चितवन सहित विभिन्न 7 निकाय में बोधार्थ सेहो पठौने अछि। काठमांडू से मुगलन दिस आबि रहल ट्रक आइ भोर त्रिशुली नदी में खसला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भोरे 4:45 बजे पृथ्वीराज मार्ग अंतर्गत दारे चौक 7 से ट्रक त्रिशुली में खसला से 2 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन देने जानकारी अनुसार 9-3-99-03 नंबर के ट्रक त्रिशुली में खसल अछि। तहिना ट्रक खसला से मृतक अंदाजी 28 आ 35 वर्षक पुरुष के शनाख्त होब नहीं सकल अछि। घायल बारा जिला के कलैया नगर पालिका 2 के 20 वर्षक राम बलि प्रसाद आ बारा के बलरामपुर में रहनिहार 25 वर्षक भुवन देव सह रहल अछि। दुनू घायल के इलाजक लेल लेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर में पठाओल गेल अछि। मध्य क्षेत्रीय प्रहरी अनुसंधान ब्यूरो हेटौडा जिला प्रहरी कार्य चितवन के संयुक्त टोली मंगलक भोर मुगलिन सँ अधिक परिमाण में अलागो औषध चौरस बरामद कयलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवनक प्रहरी प्रमुख SSP बसंत कुमार के अनुसार धादिंग सँ मुगलिन दिस जा रहल 9-3-63-52 नंबर के ट्रक के चेकिंग करक क्रम में 282 किलो चौरस बरामद भेल अछि। चौरस संगे मकवानपुर नामाचार नौ के चालक कुमार गोले के पुलिस अपने नियंत्रण में लेलक अछि। चौरस आ चालक लामा के एखन इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन में राखल गेल अछि। तहिना 14 टा बोरा में 252 पीस बनाकर आनल गेल अवस्था में पकड़ाव कयल गेल। ओ चौरस कतय लऽ जा रहल छल ताहि विषय में
किछु नै खोजल अनुसन्धान भ रहल कृषक कहबै छै। एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारा मंगल दिन यात्रु वाहक बस सँ 25 किलो गाजा बरामद कयलक अछि। वीरगंज सँ काठमाण्डू जा रहल N5X3503 नंबर के यात्रु बस सँ उक्त परिमाण मे गाजा बरामद कयल गेल जनाओल गेल अछि। विशेषज्ञ सब जीका संक्रमण कोनो समय सेहो देखा आबि सकबाक चेतावनी दैत तत्काल देश के सुहावर रणनीति बनाब सरकार के आग्रह कयलक अछि। छोट माथ भेल बाल बालिका जन्म लगलाक बाद मात्रे ई संक्रमण आयल बुझे में आबसँ पहिने स्थिति के बचावक रणनीति बनाब पर जोर देल गेल अछि। नेपाली सब कार्यरत मलेशिया तथा सिंगापुर में जीका के संक्रमण देखल गेल के बाद विज्ञ सब चिंतित भेल अछि। सिंगापुर में 21 चीनिया 13 भारतीय तथा बांग्लादेश में 6 सहित 115 गोटे में इस संक्रमण देख में आयल अछि। सिंगापुर से मलेशिया आयल एक महिला में सेहो जीका के संक्रमण देखल गेल छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। इथियोपिया के एक जेल में आग लगी भेला सँ 30 कैदी के मृत्यु भेल अछि। सरकार विद्रोही प्रदर्शनकारी राखल गेल सेल में आग लगी भेल ओतुका सरकारी अधिकारी सब बतौने अछि। 21 गोटे के आग लगी के कारण जेल भित्रे मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। तहिना 2 गोटे के जेल सँ भाग रहल समय में मृत्यु भेल। इथियोपिया सरकार जारी केने वक्तव्य में उल्लेख अछि, मुदा किछु स्थानीय संचार माध्यम जेल के सुरक्षाकर्मी गोली दए कऽ कैदी के हत्या केने बतबैत आयल अछि। मृत्यु भेल कैदी के परिचय सब खोज नहीं सकल अछि। तहिना राजधानी एडिस अबाबा के बाहरी क्षेत्र में रहल जेल में आग लगी भेल। सरकारी अधिकारी सबक कहब अछि जेल सँ गोली चलल आवाज सेहो सुनायल स्थानीय संचार माध्यम सबके कहब अछि। इथियोपिया में पिछला किछु महीना सँ सरकार विद्रोही प्रदर्शन होइत आयल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकुद संघ नेपाल विश्वविद्यालय समाथत के सब कैंपस आ विद्यालय सब के खेल प्रशिक्षक नियुक्त कर मांग कलक अछि। संघ मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का विद्यार्थी सब के नियमित रूप में प्रशिक्षण कराबक लेल विश्वविद्यालय समाथत के सब कैंपस आ विद्यालय सब में कमती में एक गोटे खेल प्रशिक्षक नियुक्त कर के मांग कलक अछि। संघक अध्यक्ष अनिल कुमार रिजाल खेल क्षेत्रक विकासक लेल विद्यालय तह सँ प्रशिक्षण कराबक के आवश्यक भेला सँ हरेक कैंपस आ विद्यालय में प्रशिक्षक नियुक्त कर के मांग के बतौलन। संघ विद्यालय आ कैंपस सब में वर्ष के कमती में एक बेर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करबाक व्यवस्था मिलाब के मांग कलक अछि। बेस तो अपने न्यूज अखन के लेल एतबा पल पल खबर। देश नजर देखते रहो अपन टीवी। नमस्कार।